विचार चल रहा था कि तद विद्धि यहाँ पर प्रयोग कर दिया, उपदेशयन्ति पर चल रहा था ना, कैसे प्रयोग कर दिया इन्होंने उपदेश, यहाँ मत नहीं बोला किंजी वहाँ तद विद्धि करके बोल दिया, इसलिए ते कर्तुभ्यम ही करना पड़ेगा कि विद्धि मध्यम पुरुष है, तुम जानो उसको। और आगे भी यास्यसी कह रहे ना, अगले श्लोक में क्या कहते हैं, यास्यसी पांडव गण, वह भी मध्यम पुरुष प्रयोग कर रहे हैं, तुम मैंने अर्जुन के लिए बोल रहे हैं ना, फिर जब अर्जुन के लिए बोल रहे हैं तो उपदेशयाम होना चाहिए, तो पूर्व पक्ष जो था बिल्कुल सही था, मैं तुमको कहूँगा सातवें अध्याय में तो बोलने वाले भी हैं, है ना, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः, कहने वाले भी हैं, इसलिए उपदेशयाम होना ठीक बनता है, मैं तुमको उपदेश दूंगा, तुम जानो मैं तुम्हें उसको उपदेश दूंगा, ऐसा अर्थ होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन उस पूर्व पक्ष तो ठीक कह रहा है, किंतु अंतर क्या है, यहां तुम आचार्यों से जानो, मैं जो उपदेश दूंगा वो अलग है, वो बात अलग चीज है, तुम आचार्यों से जानना कि श्रुति दो प्रकार की है, बहुभ्य श्रोतव्यम बहुधा श्रुति कहती है, बहुभ्य श्रोतव्यम बहुधा, इसलिए बहुवचन है, ज्ञानिन तत्वदर्शिन, एक गुरु से नहीं सुनना है, बहुत गुरुओं से सुनना पड़ेगा वेदांत, एक गुरु से सुनने से काम चलता नहीं, और एक जन्म सुनने से काम चलता नहीं, अनेक जन्म सुनना पड़ता है, इसे भगवान ने पहले क्या ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि कर्म योगम तम नहीं कहा, तुमको ज्ञान योग दोबारा देता हूं, उसी ज्ञान से तो रसमन जोड़ देता हूं दोबारा, जो ज्ञान अभ्यास में पुरुष ने किया वही ज्ञान अभ्यास तुमको दोबारा जोड़ देता हूं, इसलिए ज्ञान भी एक आचार्य से एक गुरु से सुनने से काम चलता नहीं है वेदांत को, पहला जन्म में 10 गुरु से सुन लिया, दूसरे जन्म में और 10 गुरु से सुनना पड़ेगा, तब धीरे धीरे पछता है वेदांत, शुरू में हम लोगों को जैसा दिमाग में निष्ठा है जगत में, तो जगत को ही हम ब्रह्म मान के चलेंगे शुरू शुरू में, यही चलता है, ये जगत भी ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्म मान लो, क्या दिखा दे? वो स्टेज है कि वो एक जन्म ऐसे बीता, चिंतन वैसे चलते चलते अंतकरण शुद्धि होती जाती है, लेकिन उसमें उसको अपने आप तृप्ति होगी ऑटोमेटिक स्वाभाविक, कि मिथ्या वस्तु को ब्रह्म समझना, ब्रह्म को मिथ्या समझना दोनों ही गलत है, मिथ्या वस्तु को ब्रह्म समझना भी गलत है और ब्रह्म को मिथ्या समझना भी गलत है, ब्रह्म को सत्य समझो, मिथ्या वस्तु को मिथ्या समझो, यही सत्य, इन्हीं स्थिति आने में कई जन्म लग जाएगा, अनेक जन्म संसिद्ध विषय कहा होगा, इसलिए यहां भगवान ने ज्ञानी न तत्दर्शिन बहुवचन प्रयोग कर दिया है, अनेक आचरण से सुनो, सुनते 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 अंत मेरे जैसे तेरे को आचार्य मिलेगा, ऐसे भगवान अंत में जाएंगे, बहुभ्य श्रोतव्यम बहुधा, और न्याय भी है, अलौकिक न्याय भी इसी प्रकार का बना हुआ है, न्यायाच्छ इसी के बहुवचन यद्यपि प्रयोग हुआ, लेकिन दूसरे श्रुति क्या है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम, एक वचन है शब्द, और इसके अंदर श्रुतियां अन्य भी है हमारे पास, जो साहब क्या कहती है वो श्रुति, हाँ एक वचनांत की श्रुति ऐसी है, उत्सीते एकमेव सद्गुरुं ब्रह्मवित्तमं, उत्सीते एकमेव सद्गुरुं ब्रह्मवित्तमं, एक कहती श्रुति से ब्रह्मवित्तम सद्गुरु होता है, गुरु तो अनेक है, आचार्य अनेक है, लेकिन ब्रह्मवित्त भी अनेक है, अनेक ब्रह्मवित्तों में श्रेष्ठ दो लोग हैं तो ब्रह्मवित्तर हो जाएंगे, अनेकों में एक जो श्रेष्ठतम है वो ब्रह्मवित्तम हो, वो ब्रह्मवित्तम ही सदगुरु होता है, जो कि वह जिस जन्म में आपको मोक्ष होना है उसी जन्म में अंत में मिलने वाला जो गुरु है वो ब्रह्मवित्तम गुरु होता है, जिस जन्म में मोक्ष गारंटीड प्रारकर्म निश्चय हो गया है, इसका जन्म गए में इसी जन्म इसको ज्ञान का साक्षात्कार होना है, ब्रह्म का साक्षात्कार मोक्ष होना है, ऐसा जिसके प्रारकर्म निश्चय है वह अंतिम जो जन्म है उसी में वह सदगुरु की प्राप्ति होती है, उसे पूर्व में अनेकों जन्मों तक अनेकों गुरुओं से अनेकों आचार्यों से हमें इस वेदांत को अभ्यास करते रहना है,
इसलिए जान रूप बहुवचन भी प्रयोग हुआ है, अतः उपदेक्षण गलत नहीं है, उपदेक्षा बनाने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य वचन है, तुमको शुरू में यह वेदांत अनेकों आचार्यों से जानना पड़ेगा। जब अनेकों आचार्यों से जान के धीरे धीरे पछते 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 अंतिम स्थिति में भगवान कहेंगे मेरे जैसे तुमको मिलेंगे, तब सातवें अध्याय में सृजन कहेंगे अहम सविज्ञान ज्ञानम उपदेशाम, तब उपदेश देगा। इस तरह से इसका समन्वय करना है, तब जाके दोनों श्रुतियों का विरोध भी खत्म हो जाता है। नहीं तो एक बहुवचन श्रुति भी है और एक वचन श्रुति भी है। ये कौन सा ये पता नहीं है, लिखाया है कहाँ का मालूम नहीं। इतना ही है, उत्सीते देकम एव सद्गुरुम ब्रह्मवित्तमम इति श्रुत्यंतराच्च, ऐसा हमको लिखा है। दो श्रुति लिखाया, एक तो वो है जो मुंडक का ही है, श्रोत्रम ब्रह्मिष्टम गुरुम एव अभिगच्छत, एक वचनांत ही वो, और दूसरा ये श्रुति। एक वचन श्रुतियाँ और बहुवचन श्रुति हो गया, बहुभ्या श्रोतव्यम बहुधा, बहुत प्रकार से और बहुत लोगों से सुनते रहना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे आपका बुद्ध व्यक्ति जीव का जो जीवात्मा जो मुमुक्षु है उसका ज्ञान वृद्धि होगी धीरे 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 धीरे, और अजातवाद की ओर सम्यक जब स्थिति आ जाती है तब अंतिम उपदेश तत्वमसी उसको लागू होता है। उससे पहले लाखों बार सुनते रह जाते हैं तत्वमसी, असर कुछ नहीं पड़ता अभी बाकी है ना, ब्रह्मवित्तम अभी मिला नहीं है, कारण अपने खुद का अंतकरण शुद्धि अभी उतनी नहीं है, ये इसका समाधान है। चलिए तदे तद विशिष्ट ज्ञानम तर्हि केन प्राप्यते इति उच्यते, वह यह जो विशिष्ट ज्ञान है बताइए फिर वह किनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इत्यताः इति उच्यते, तब जवाब में कहते हैं तद विद्धि, विद्धि मने विजानीहि येन विधिना प्राप्यते, तद जिस विधि के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है उस विधि को तुम जानो, या तत् से उस ज्ञान को जानो, ऐसा हम लोग सामान्य रूप में कह देते हैं, इस ज्ञान का साधन को जानो। ज्ञान को क्या जानना है, ज्ञान तो खुद है, तो ज्ञान क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म तो खुद है, उसको क्या जानना है, उसको जानना नहीं है, उसको पाने का साधन को जानना है। इसे भाष्कर कहते हैं येन विधिना प्राप्यते तद विजानीहि, ऐसा जिस विधि के द्वारा उस ज्ञान का अनुभव किया जा सकता है उस विधि को तुम जानो। आदि आचार्यान अभिगम्य प्रणिपात्येन, इति उसे क्या करना पड़ेगा, आचार्यान अभिगम्य, देखो आचार्यान भोजन, आचार्यों के पास जाकर अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षेण नीचैः पतनम इति प्रणिपात, सरकार कर दिया प्रकर्षेण, नीप सरकार करते हैं नीचे ही पतनम मने पतनम इति प्रणिपात, प्रकृष्ट रूपेण अपने अहंता ममता आदि को त्याग करके नीच भाव से अपने आप को क्षुद्र समझता हुआ प्रणाम करना है, उसका नाम प्रणिपात, दीर्घ नमस्कार, साष्टांग नमस्कार को दीर्घ सन नमस्कार कर, दंडवत नमस्कार दीर्घ नमस्कार तेन प्रणिपातेन तृतीया, एक साधन। कथम बंदा कथम मोक्ष, इधर भी प्रणिपात को दीर्घ नमस्कार ही बोल रहे हैं। हाँ, अंत में अर्थ वही अर्थ करेंगे, अंत में वो अर्थ करेंगे, लेकिन वो किस प्रकार से होना चाहिए दीर्घ नमस्कार प्रणिपात, उसका पीछे क्या ढोंग नहीं होना, नहीं तो सीधा कर से भाषकर से प्रणिपात दीर्घ नमस्कार सीधा बोलते हैं, नहीं उपसर्गों का व्यर्थ या विशेषण कथन कर रहे हैं, अन्यत्र नहीं बोलते इतना जितना यहाँ बता रहे, कारण क्या, लोग तो साष्टांग नमस्कार करते ही हैं, परंपरा रही अनादिकाल से, कान पकड़ को डंड पटक को और धोती को बांधना अलग, नहीं सिर्फ धोती वस्त्र उसको बांधना पड़ता है अलग ढंग से, अलग ढंग होता है उसका, उसी से पहचान लेगा ब्राह्मण किस गोत्र का कैसा आदमी है, उसको बांधने के तरीके से मालूम हो जाता है, फिर कान पकड़ेंगे अपने सारा कुल परंपरा बोलेंगे, सारा प्रवर सब सुनाएंगे, ऐसा जो मैं आपको दंडक मारता हूँ, ये तो परंपरा है, आदमी हर आदमी चाहे अंदर श्रद्धा हो भक्ति हो छल कपट करने आए दगाबाजी करने ठगने आया किस लिए भी आया सब करते ही हैं, अनादिकालीन परंपरा है सनातन धर्म का, हाँ अभिवादन नमस्कार दीर्घ नमस्कार तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अंदर सामान्य बात है, इसे वो सामान्य ध्यान नहीं लेना है हमें, इसलिए भाष्कर जान करके प्रकर्ष ने नीचे ही अर्थ किया तेना कथम बंध, और परिप्रश्न की व्याख्या कर रहे थे, परिप्रश्न का मतलब क्या, कहते कथम बंध कथम मोक्ष का विद्या का च विद्या इति परिप्रश्न,
इस संसार के बारे प्रीत विचार्य परीक्ष लोकान कर्मचता निर्वेदन माया नास्तिक कृत कर देना, यह दृढ़ निश्चय वाला होकर के गुरु के पास ये प्रश्न पूछना है, कथम बंध हो, कथम मोक्ष, का विद्या का च विद्या, यदि परिप्रश्न सेवया गुरु शुश्रूषया एवं आदिना, ये तीन ही नहीं लेना, ये समझो कि तीन ही है साधन, एवं आदिना और भी जितने भी अंग भूता है, बहिरंग साधन जितने भी है वो सबको यहाँ ग्रहण कर लेना है साथ में, प्रश्रयेण आवर्जिता आचार्य, इस प्रकार से प्रश्रय भक्ति श्रद्धा पूर्वक निर्दिशे नति विशेष के द्वारा आंधगिरी में साफ देखिए प्रश्रय का अर्थ भक्ति श्रद्धा पूर्वक निर्दिशो नति विशेष नति विशेष, यह है प्रश्रय का अर्थ, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक निर्दिशे नति विशेष प्रणाम विशेष नमस्कार ऐसा नाम प्रश्रय, उसके द्वारा आवर्जित मैंने वशीभूत कर लिया आपने किसको, गुरु को अपने वश कर लेना, गुरु को वश करने का मतलब गुरु की कृपा को बहाने योग्य बना देना है, ऐसा व्यवहार जिसे गुरु की कृपा बहने लग जाए उसे कहते हैं आवर्जिता आचार्य, आवर्जिता ने प्रसादिता गुरवो ज्ञानिनः, जब प्रसन्न कर दिया गया, आवर्जित कर तो भाषा दृष्टि करते हैं प्रसादिता प्रसन्न कर दिए जाने पर वो गुरुओं के मुख से ज्ञान अपने आप प्रवाह होने लगता है, ज्ञान प्रवाह होती है गंगा जैसे धारा चलने लगती है ज्ञान धारा उनके मुख से, तब आवर्जित आचार्य इसे वशीभूत कर लिया मैंने प्रसादित प्रसन्न कर लिया ऐसे आचार्यों के मुख से वे आचार्य क्या करेंगे तब उपदेक्षन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानम ते मैंने तुभ्यम, ऐसे जब तुम कर लोगे तब वह आचार्य लोग तुम्हारे जैसे तुमने द्रोणाचार्य को खुश कर दिया था अपने सामर्थ्य से, द्रोणाचार्य सारी विद्या तेरे को दे दिए थे, उसी प्रकार से यह ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी है, जब गुरु प्रसन्न हो जाता है समस्त विद्या प्राप्त करा दे सकता है, ज्ञानम यथोक्त विशेषणम तुभ्यम ज्ञानम उपदेक्षन्ति, तुमको ज्ञान प्रदान करेंगे, कौन सा ज्ञान है कदे यथोक्त विशेषण पूर्वोक्त विशेषण वाला जो ब्रह्म ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान दे देंगे, कौन है वे आचार्य किस प्रकार के हैं वो यथोक्त विशेषण ज्ञानी ना, पहले साधारण ज्ञानी बोला ज्ञानी नहा ज्ञानवंतोपि केचित यथावत तत्व दर्शनशीला अपरे ना तो विशिनष्ठि, ज्ञानी होने के बावजूद ज्ञानवान तो सभी है, शब्दार्थ ज्ञान वाले तो हजारों मिल जाएंगे, इसलिए ब्रह्मवित्तम कहना, ब्रह्मविद भी सैकड़ों हैं, ब्रह्मित्तर भी हैं, ब्रह्मित्तम कोई कोई होता है, ब्रह्मज्ञो भी बहव श्लोक में कहा है ना ब्रह्मज्ञो भी बहव नीतिज्ञो नियतिज्ञ शास्त्रज्ञोपि धर्मज्ञ ब्रह्मज्ञोपि बहव स्वज्ञानज्ञोति विरला बहुत, इसे कहते ज्ञानी नरे ज्ञानवंतोपि केचित यथावत तत्वदर्शनशीला परे, केचित बहुचन प्रयोग कर रहे इसलिए बहुत कोई बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञानवान होने पर भी इन वास्तव में वे सम्यक दर्शन वाले नहीं हो सकते, यथा तत्वशीला अपरे एंड दूसरे जो होते वो यथा तत्व दर्शन स्वभाव अतो अन्ना तो विश्रष्टि, इसलिए जो है यहाँ पर जो है अपरे न बहुत सारे तो अपरे न अलग कर देना उसको न को पूर्व के अपरे ऐसे जो जोड़ दो, भले ही ज्ञानवान होते हैं बहुत सारे किंतु कोचित तो तत्दर्शनशील नहीं होते उनमें से, इसीलिए विशिनष्टि विशेषण दिया गया है तो विशिनष्टि तत्वदर्शी भी थी न पूर्वान्वयी है अपरे न केचित ज्ञानवंतोपि तेषा मध्ये अपरे यथावत्तदृशीला न भवन्ति, अतः विशिनष्टि, इसलिए यह विशेषण देकर विशेषित कर दिया ज्ञान ने शब्द को तत्वदर्शी नहीं थी, केवल शब्दार्थ ज्ञानवान होने से काम चलता नहीं है, वह साक्षात अनुभव किया हुआ होना चाहिए, जीव ब्रह्म एकत्व का अनुभव किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा तत्वदर्शी जो उपदेश देगा तभी वो ब्रह्म अनुभव में आता है, और वो ऐसा जो मिलेगा वो अंतिम जन्म में मिलेगा, अब क्या पता किसका अंतिम जन्म है या नहीं है,
है, उसके आधार पर निर्भर होता है, उसके अंतर्गत शुद्धि, उसका तत्ववेचन सामर्थ्य सब पर निर्भर है। ज्ञान वो तो षट संपत्ति से ही मालूम हो जाता है ना, जो साधन चतुष्टय है किसके अंदर कितना है उतने से ही मालूम हो जाएगा, वह इसका अपना अंतिम जन्म है या नहीं है। इस साधन चतुष्टय में ही कमजोरी रह गई है, कमी रह गई है। अभिविन्न प्रकार की कामनाएं वासनाएं जग रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, चल रहा है अंदर में पेट में है। फिर ऐसे आदमी अपने आप समझ लेना चाहिए हमारा अंतिम जन्म नहीं है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी अगले जन्म के लिए कर लेना, तो अगले जन्म फिर यथाशीघ्र हम वेदांत में आ जाए और वैराग्य भी विवेक भी सब कुछ सम्यक होवे। उसके लिए जो जरूरत है जब तक ध्यान भजन उपासना पूरी करनी चाहिए इस जन्म में, केंद्र इच्छा लाभ में संतुष्ट भी नहीं घट रही है नहीं, उसमें भी परेशानी है देखने को मिलता है। आकाश वृत्ति नहीं हो रही तो अजगर वृत्ति कहाँ से होनी है। सब व्यवस्थित गाड़ी चाहिए ना हमें, सब कुछ व्यवस्थित चलनी चाहिए। इसलिए ड्राइवर था बहुत बढ़िया बोलता था, हमको उसकी अच्छी बात लगी। कार ड्राइवर था महाराज मंडलेश्वर जी, जब भी कोई कुछ दो आदमी बुला लेते ना भाई आप इधर आओ, कोई दूसरा इधर आओ बुलाता है तो क्या कहता था, व्यवस्था का सवाल है महाराज, व्यवस्था का सवाल है। वो बड़े हैं वो बुलाए ना पहले मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आप छोटे हैं बाद में आपके पास आऊंगा, व्यवस्था का सवाल नहीं तो मेरी नौकरी जाएगी। मैं तेरे पीछे, तुम भले मेरे को अच्छे लगते हो, प्रेम है सब कुछ है, उठते बैठते हैं वो तो बड़े हैं जो दूर से खड़ा करते हैं मेरे को, मर्यादा नहीं इज्जत नहीं कुछ नहीं है ऐसे बोलते हैं, आवाज आओ जी बैठिए जी बोलते हो तो बड़ा हमारा आपको बहुत घनिष्ठता है, लेकिन फिर भी मैं आपके अस्पताल नहीं आ सकता बुलाने पर भी, कि व्यवस्था का सवाल है, नौकरी का सवाल, सारी दुनिया व्यवस्था के सवाल में खड़ा हुआ, व्यवस्था के अधीन सारी चीज व्यवस्थित है। क्वचित अव्यवस्था हो जाए तो सब दिमाग खराब हो जाता है, सारा घर गुस्सा आ जाता है, सारा सारा घर सर के ऊपर कहते हैं ना, इसे सारा घर सर के ऊपर ले लेते लोग, इतनी क्रोध आ जाता कि व्यवस्था है। तो ऐसा कब तक झलेगा जिंदगी, मोक्ष चाहते हैं इन सब से परे होना अव्यवस्था में जीना पड़ता, अव्यवस्था में जियो। और इधर चाला संतुष्ट करने के लिए जैसा मिला वैसा एडजस्टिंग नेचर होना बहुत जरूरी है, इसके लिए एडजस्टिंग नेचर बोलते हैं ना इसको, जैसा स्थिति वैसा ढल जाना, वैसे ही ढल जाओ स्थिति के अनुसार ढल के काम चला। क्या करें जब चार तरफ रजगुणी तमोगुणी है तो क्या करोगे, उसके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा कवच बनाओ, अपने कवच बना के अपना बैठ, और कोई रास्ता है आप चाहेंगे सब सात्विक जब होंगे तब मैं सात्विक साधना करूंगा, और जब गंगा जी गर्म होंगे तब नहाऊंगा, ऐसे बात कर रहे हो आप। न कभी सभी सात्विक होने वाले न तेरा साधना ही होएगा जिंदगी में, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए तो विशिष्ट तत्व दर्शन है ये सम्यक दर्शन धैर्य प्रतिष्ठ ज्ञान कार्यक्षम नीति भाषा स्पष्ट करते हैं। जो सम्यक दर्शन दर्शी हैं उनके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान है ना वही कार्य उन्हें मोक्ष रूप फल को प्रदान करने में सक्षम हो जाता है, न इतर तो दूसरों के द्वारा उपदिष्ट नहीं हो सकता। नावरेण क्या कहा है कठोपनिषद में, नावरेण शब्द प्रयोग किया, दूसरे छोटे मोटे लोगों के द्वारा कहने पर ये पकने वाला नहीं है पचने वाला नहीं है। इस ब्रह्मवित्तम पुरुष जब कहता है तब ब्रह्मवित्तम पुरुष का दर्शन हो उसका संग हो ये दुर्लभ है ना, भगवान भाष्कर साहब का अत्यंत दुर्लभ है तीन में से महापुरुष संश्रय, और ब्रह्मवित्तम ही महापुरुष है, ऐसे को संश्रय प्राप्त होना ही कठिन, उनका उपदेश की भी जरूरत नहीं पड़ती है, दृष्टि मात्र से काम हो जाता है, ऐसे लोग हुए जो स्थिति में है। यदि आप योग्य हैं आप अंतरण शुद्ध हैं उनके सामने बैठते ही सारा काम हो जाता है, सब संशय दूर सारे प्रश्नों के जवाब। अभी छोटे महाराज जी को देखा, रामान जी महाराज जी को देखा, लोग पूछते थे मेरे हंसी आते थे, आप पूछ रहा है इसका मतलब है बहुत ही जड़ बुद्धि वाला है, इसलिए उसको रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रही सामने, ये सामने बैठा कौन है और उसे पूछ रहा है, पूछने की जरूरत क्या है उनके सामने, ऐसा दिव्य दर्पण है तुम्हारा चेहरा साफ दिखेगा,
तुम शुद्ध हो तब तो मलिन पुरुष को नहीं दिखता, वो तो प्रश्न पूछेगा। और हम लोगों के दिमाग में कई बार हमने देखा प्रश्न ले जाता था, आज पूछूंगा ये प्रश्न, कल जो पढ़ा है इसमें कमी है, टीका टिप्पण देख लिया उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, आप सोचेगा कल जा पूछेंगे, जाके बैठता था पूर्ण मजे पूर्ण विदम होते होते सब पूर्ण हो जाता था, सारा जवाब खत्म, प्रश्न ही खत्म, जवाब अपने आप हो जाता था। अब से देखा क्या सब पूछना है, साफ हो ही गया, अब आगे बढ़ो। निर्भर होता है व्यक्ति की अपना अपना स्थिति है, श्रद्धा है, सारे चीज पर निर्भर है, एक फैक्टर नहीं है इसमें, एक कारण नहीं है, अनेक कारण है। तब जाके हो तीसरे कहते तब कार्य क्षमम भवति नोत्रति भवतो मतम, यही भगवान का मत है। तथा जैसे इदमपि समर्थम वचनम, इस विषय में यह वचन भी समर्थन देता है। क्या है वो? अगला श्लोक आरंभ होता है, यच्चात्ता न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा यत् अलग कर देना, यत् ज्ञान रूपम ब्रह्म, जो ज्ञान रूप ब्रह्म है उसे ज्ञात्वा जान कर गए, एवं मोहम पुनर्न यास्यसि हे पांडव, इस प्रकार का जो मोह जो अभी तेरे को हुआ था प्रथम अध्याय में तुमने जो प्रकट किया है अपना मोह, वह मोह दोबारा तेरे अंदर नहीं होगा। मम इमे, ये मोह था ना उसको, इमे मम, ये सब तो मेरे हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे ताऊ चाचा हाँ दादा सब खड़े हैं, सब मेरे हैं। ये ममत्व बुद्धि जो तेरा मोह है वह, और अहंता बुद्धि, मैं हूं तब तो ये मेरे हैं, हिमा ना हो माँ ना होता तो ये अहम नहीं होता, तो ममत्व कहाँ से आ जाता, अहम के तो ममा आता है, इसे मैं और अहम और मम दोनों ही खत्म हो जाता है। एवं मोहम अहंता ममतात्मकम पुनः नया से दोबारा तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, हे पांडव संबोधन है। संबोधन में भी बड़ा विलक्षणता है, जिस प्रकार से इस समय तुम अपने आप को क्या मान रहे हो, पांडु पुत्र मान रहे हो ना, तुम अपने आप को पांडु पुत्र मान रहे हो, इसलिए भीष्म आदि तुम्हारे रिश्तेदार हो गए, यही मोह का स्वरूप है। मोह को ही एवं मोहम को ही संकेत कर दिया पांडव संबोधन से। जो कोई व्यक्ति मैं अमुक का पुत्र समझता है वह मोहग्रस्त है, जो अपने आप को हम ब्रह्म समझता है मोह रहित है। इसे तुम हे पांडव करके संबंध बता दिया, तुम अपने आप जब तक पांडव पुत्र मानते रहोगे तब तक तुम्हारे लिए सब रिश्तेदार है और तुम्हारा यह मोह कभी मिटने वाला नहीं है। इसे तुम अपने पांडव पुत्रत्व पर अभिमान को त्याग दो, अपने ब्रह्मत्व अभिमान में स्थिर हो जाओ तो अपने आप तुम्हारे मोह नष्ट हो जाएगा। मदिया इमे, यह बात अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब मैं पांडु पुत्र हूं तब तो ये सब मदिया हो जाएंगे, ये तो मेरे कहाँ रह जाएंगे ये। इसे कहते हैं यह बात समझ लोगे तो अपने आप मोह तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। तथा ज्ञान तन मूलोच्छेद कम लद्वा न यासी, तो इस मोह का मूल क्या है, अज्ञान, उस अज्ञान को उच्छेद कर। मोह हमने ऐसे मोह का नाश कर नहीं है, ज्ञान, ज्ञान तो अज्ञान को नाश करे, परंपरा है यहाँ, ज्ञान अज्ञान को नाश कर देता है, अज्ञान का नाश होने से मोह का नाश हो, कारण नाशाद कार्य नाश हो। इसे परंतप में भी कुछ लोगों ने अर्थ लिया है, पर ज्ञानम प्राप्य अज्ञानम अज्ञान तो शत्रु तापेति ऐसा परम परम ब्रह्म ज्ञान तम प्राप्य अज्ञानात्रकम शत्रु तापेति ओसु सह परंतप। ऐसे पूर्व श्लोक में पूर्व का उससे पहला श्लोक में 33 में था ना परंतप, वहां यह अर्थ भी लिया गया है। येन भूतानि अशेषेण, येन भूतानि अशेषेण, जिनके जिस ज्ञान के द्वारा समस्त भूतों को आत्मनि द्रक्षसि, अपने प्रत्यगात्मा में ही तुम देखोगे, अथो मई और मुझ में भी, अथो अपि अर्थ में, अथो का अर्थ अपे है अथो, और मुझ में भी देखोगे। ऐसे कैसे होगा, सारा संसार मैं अपने में देखूंगा और आप भगवान में भी देखूंगा, दोनों में कैसे देख सकता हूं संसार को? कहते इसीलिए क्योंकि तुझ में मुझ में कोई अंतर ही नहीं है,
क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, क्योंकि तुम जो क्षेत्रज्ञ अपने आप को मान रहे हो वो क्षेत्र या आत्मा तुम जो देखोगे वह मुझ में भी देखोगे, क्योंकि तो क्षेत्रज्ञ और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है, जीव ब्रह्मज्ञत्व। इसे पहले तुम अपने में देख लोगे ना अपना, तुम मुझ में देख लोगे, साथ समाप्त हो विचार। अथोमयी, कैसे देखोगे तुम सारे चीजों को अपने में, उसका स्वरूप क्या होगा, ऐसा होगा यह तुम्हारा निर्णय हो जाएगा। मद अविद्या कल्पितोयम् भीष्मादि प्रपंच मद व्यतिरेकेन नास्ति, ऐसा ज्ञान। ये जो भीष्मादि क्या है, मेरे ही में मुझ में अविद्या से कल्पित है। मई अविद्या कल्पितोयम् भीष्मादि प्रपंच, अतएव मद व्यतिरेकेन नास्ति में ये निश्चय हो जाएगा, तब मोह समाप्त। क्योंकि मिथ्या कल्पित वस्तु हो गया, तो मिथ्या कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न तो है ही नहीं, वो है ना, जैसे रजत जो मिथ्या कल्पित है और शुक्र भी अधिष्ठान से भिन्न अस्तित्व उसका कुछ भी नहीं है, अतः उनका नाश क्या है, उनको मारना क्या चीज है, रजत को नाश करना क्या चीज है, शुक्ति को जानने के अलावा और कुछ नहीं। शुक्ति को जान लिया रजत अपने आप नष्ट, तुम अपने आप को जान लिया अपने भीष्म आदि नष्ट, तुम्हारे लिए नष्ट हो चुके हैं, उन्हें कि हम निमित्त मात्रम भवसवसा छिन्ना के कहेंगे, इसे मिथ्या है ऐसा स्वरूप ज्ञान के द्वारा ये सब नष्ट प्राय ही है, इसे बाह्य व्यवहार में दिखता हुआ उस चीज को नष्ट करने में कोई पाप भी नहीं है। द्रक्ष से आत्मनि अथोमयी भाष्य, यद ज्ञात्वा यद ज्ञानम तैरुपदिष्टम अधिगम्य, यद उस ब्रह्म का जो ज्ञान है उन आचार्यों के द्वारा उपदिष्टम अधिगम्य, उपदिष्ट होकर के जान लेने पर प्राप्य मने अनुभूय पुनर्भूयो मोहम एवं तथा इदानी मोहम गतोसी पुनरेवम न यासिसी हे पांडव, जिस पर पुनः मने भूया मने दोबारा एवं मोहम की व्याख्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से इदानी मोहम गतोसी जिस पर इस समय तुम मोह को प्राप्त हुए हो उस प्रकार का मोह को दोबारा तुम प्राप्त नहीं होगे हे पांडव। इतना ही नहीं, ये ज्ञानेन भूतानि अशेषेण ब्रह्मादि निस्तम पर्यंतानि द्रक्षसु, जिस ज्ञान के द्वारा तुम क्या करोगे, अशेषेण पूर्ण रूपेण इन समस्त भूतों को, किन भूतों को, पंचभूत नहीं है ना, पृथ्वी तेज वायु आकाश कहते ब्रह्मादि निस्तम पर्यंतानि सर्वानि द्रक्षसी, कहा साक्षात आत्मनि, आत्मनि ने प्रत्येगात्मनी जीवात्मा में अपने में तुम देखोगे क्या, मत संस्थानी मारी भूतानी इति, ऐसा तुम देखो। मत संस्थानी की व्याख्या में कर रहा था, मत संस्थानी में मई अविद्या कल्पितत्वेन संस्थानी इमानी भीष्मादि रूपाणी भूतानी प्रपंच, मुझ में अविद्या से कल्पित होकर सम्यक स्थितानी है संस्थानी है कौन, ये भीष्मादि रूप भूतानी समस्त प्रपंच, ऐसा तुम अपनी आत्मा में पहले देखोगे, उसके बाद अथो अभी माने और तुम मुझ में भी इसे देख सकोगे, तब मई माने वासुदेवे परमेश्वरे च इमानीति, मुझ वासुदेव परमेश्वर में भी तुम इन सारी चीजों को देख लोगे। अरे ऐसा कैसे होगा, मैं अपने में देख लूंगा फिर आप में भी उसी को देख लूंगा, दोनों जगह एक ही चीज को कैसे देखूंगा मैं, या तो इधर होगा या तो उधर होगा, कहते नहीं दोनों में अलग है ही ना, अलग होता तो बात होती तो दो जगह में कैसे देखूंगा, शब्द है तुम अपने में देखोगे और मुझ में देखोगे, ये जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ वास्तव में केवल इन वास्तव में दो अधिकरणों में तुम नहीं देख रहे हो, दो भिन्न अधिष्ठानों में तुम नहीं देख रहे हो, दोनों अधिष्ठान एक ही है, क्यों, क्योंकि क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्वम सर्वोपनिषद प्रसिद्धम द्रक्षसी प्रत्यक्षः, इसका अर्थ यही है क्षेत्रज्ञ और ईश्वर उस ब्रह्म का एकत्व जो क्या है सकल उपनिषदों में प्रसिद्ध है, जो वो तुम अनुभव कर रहे हो, ये इसका इत्यर्थ है। इसलिए वह आचार्य कैसे होना चाहिए उस विषय भाष्योत्कृष्ट प्रकार एक सुंदर श्लोक दे रहे हैं, ज्ञान को उपदेश देने वालों का पद वाक्य प्रमाण झिंग सम्यक तत्व विलोक भी उक्ता ज्ञान भवे कार्यम
नान्ये रीति हरेर मतम, ये हरि का मत। क्या है हरि का मत? पद वाक्य प्रमाण पारावारिण लोग लिखते हैं, हर मंडलेश्वर का पीछे जो रहता है ना, जो कपड़ा टांगते हैं उसमें सोने के तार से लिखा रहता है पद वाक्य प्रमाण पारावारिण, जाके देखना कभी। लेकिन वह पद वाक्य प्रमाण जय ही वो गलत छपी है कोष्ठक, उससे पहला पूर्वार्ध में पद वाक्य प्रमाण जय ही सम्यक तत्व विवेक भी पद वाक्य प्रमाण, पद मने व्याकरण, वाक्य मने मीमांसा, प्रमाण मने न्याय, इन तीनों में जो परिपक्व टिप्पणकार में दिख रहा है ना, टिप्पणकार देखो जहां जरूरत है वहां भाष्यकार एक भी अधिक शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हैं, पूरा व्याकरण दे देते हैं, ऐसे कैसे कह दिया भाष्यकार ने, और ऐसे करने पीछे क्या रहस्य होगा, किस प्रक्रिया से बनाया है, क्यों ये अर्थ ले रहे हैं भाष्यकार, पूरी व्याकरण बोल देते सूत्रों को सही। और जब न्याय दर्शन आता है पूरा न्याय दर्शन टिप्पण मिल जाता है, मीमांसा आता है तो मीमांसा का टिप्पण मिल जाता है। विष्णुदेव गिरिजी महाराज इस तरह से व्याकरण न्याय मीमांसा परिपक्व पद वाक्य प्रमाण सम्यक तत्व विवेक भी, और सम्यक प्रकार से तत्व का विवेचन किए हुए लोग टिप्पण लिखा ऐसे पुराण कहा क्या बोल रहे हैं भास्कर, सब उनका ध्यान में है, आगे क्या बोलने वाले पीछे क्या बोले सबके आधार पर टिप्पण बना रहे हैं, और लिखते भी अमुक पृष्ठ में देख लेना वहां ऐसा कहा होगा इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा बोल रहा हूँ, अगले भी यहाँ ऐसे कैसे बोलते हैं भाषिक टिप्पणकार, नहीं वहां देख लो तुम वहां क्या बोल रहे भाषिकार, उसके समझ भी करते हुए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से पौर्वापरि पूरा का पूरा दिमाग में भाष्य ब्रह्मसूत्र में कहा क्या बोला गया है, उपनिषद में कहा क्या बोल रहे हैं, गीता में कहा क्या बोल रहे हैं, सारा भाष्य को दिमाग में रख करके लिखना बोलना समझना कहना आसान नहीं, महान दिमाग। इसको कहते हैं सम्यक तत्व विवेक भी उक्ता ऐसे के द्वारा कहा वह ज्ञान भवेत कार्यम, ऐसे ऐसे कहावा और सुनावा ज्ञान ही कार्य क्या मोक्षात्मक कार्य को सिद्ध करता है, नान्य ही अन्यम के द्वारा नहीं, हरेर मतम ये हरि का मत। तद विज्ञान सुग्रमेवाभिगच्छत समीपाणि श्रुतम ब्रह्मिष्ठम इत्यादि मुंडको उपनिषद 1:2:12 इसी का एक तरह से वो संकेत कर दिया अर्थ। और स्तुति अब करेंगे इस ज्ञान का, किंच एतस्य ज्ञानस्य महात्म्यम, अब इस ज्ञान का महात्म्य करिए अगला श्लोक आ रहा है, अपिच्छेदस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजिनं संतरिष्यसि। अपिच्छेद दो अभ्य एक साथ प्रयोग हो गया, अपिच्छेद मैंने कदाचित संभवश्चेत, कदाचित संभावना परक के दो अभ्य एक साथ प्रयोग हुआ अपिच्छेद, कभी मान लो ऐसे हो जा, यदि भी हो नहीं सकता है इतना बड़ा पाप कौन करे, पाप कृतम हो जाए, पाप कृत पाप कृतर पाप कृतम, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता इतना संभावना को लेकर, यदि ऐसा हो भी जाए तो भी यदि उस व्यक्ति के पास ऐसा ज्ञान हो वो ज्ञान के द्वारा सब भस्म हो जाए सारा पाप। अभी छेद ऐसे पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, सकल पापियों में सर्वोत्तम पापी तुम यदि अपने आप को मान लोगे तो भी पापेभ्य पापीभ्य पाप करने वाले सर्वेभ्य पापेभ्य पाप कृतम असी इति अपिच्छे संभावना छेदपि, यदि ऐसी संभावना अपने में मानोगे तो भी, क्यों संभावना, क्योंकि पहले कहा ना उसने नरके नियतम वास, क्योंकि आसमान पापम कदे, उन लोगों को भले बुद्धि नहीं है लोभ हो पते चेत, हमारे पास तो बुद्धि विवेक है, हम क्यों पाप आचर तुम, हम क्यों पाप आचरण करें, फिर भी हम युद्ध करेंगे तो पाप ही पाप होगा, तो मैं कहाँ पापी हो जाऊंगा, तब भगवान करे तो महापापी अपने आप को मानोगे तो भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों तेरे को स्पर्श नहीं कर सकता है, ये ब्रह्मज्ञानी तुम्हारे पास होता है। कदाचित संभावना पर अपिचेदसीति स्तुति, स्तुत्यर्थ स्तुति का कथन करने के लिए ही असंभावित अर्थ को भी अंगीकार करके कहा जाता है, कई बार असंभावित अर्थ को भी स्वीकार करके स्तुत्यर्थम क्या करते हैं कह दिया जाता है,
यदि ऐसा संभव नहीं है फिर भी ऐसा मान के कह देता है। तो इसलिए कहते हैं तब क्या होगा उस सारे को तुम सर्वम ज्ञान प्लवे नैव सर्वम ऋजिनम संपूर्ण पाप रूपी समुद्र को तुम ज्ञान रूपी नौका से संतरिषति सम्यक प्रकारेण तरिषसी अनायास ही आसानी से तुम तर जाओगे इस पाप में समुद्र से। प्लवे न है ना, इसके आधार पर समुद्र लेना पड़ेगा। प्लव मैंने नौका, नौका कहाँ होता है, हवा में थोड़ी चलेगा, समुद्र में तो होगा। इसलिए प्लव शब्द सामर्थ्यादेव समुद्र का अध्ययन करना पड़ेगा। सब भगवान भी भाष्कर कहेंगे वृजन अरणवम, वृजन अरणवम प्रयोग कर देंगे समुद्र, अर्थात अध्ययन करना पड़ता है। इसको अर्थाध्यार कहा जाता है। जैसा कोई यहाँ पर एक तरह से कैमुतिक न्याय है, कैमुतिक न्याय क्या है ये, जैसा मान लो महान पहाड़ को कोई लांग रहा है, ऐसे लांगने के सामर्थ्य वाले को एक बालुका का कण लांगने में कोई कठिनाई है क्या? जब पहाड़ को लांग सकता है तो एक बालुका का कण को क्यों नहीं लांग सकता? इधर जब पाप समुद्र को तुम लांग सकते हो ज्ञान के द्वारा, एक भीष्म आदि को मारने क्षुद्र पाप को क्यों नहीं लांग सकते हो? कई मुझे महामेरु लंघय तो वालुका कण लंघन वध तथा पापार्णवम तरतो भीष्मादि वद जन्य पाप लंघनम कैमुतक ने किमुत भवति। हमारा टिप्पण है ढूंढो तरसी एव इत्यर्थ, संतरिष्यसी एव इत्यर्थ। संशय नहीं है तुमको, करना ही नहीं संशय, यहाँ पर निश्चय है तुम तर जाओगे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारे पापों। अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्य पाकृत्वाज्ञान प्लवे नैव सर्वं वृजनम को विशेषण है, समस्त पापों को तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संतरिषसी एव वाल्या संप्लवेन एव है ना, वो क्रियापदान्वयी कर देना, क्रियान्वयी एव है अवधारण है, निश्चित रूपेण तुम तर जाओगे। इसका भाष्य अपि चेदसि पापेभ्य पापकृद्भ्य सर्वेभ्य अतिशयेन पापकृत् इति पापकृतम, पापकृतम व्या कर रहे हैं पापेभ्य पापकृतभ्य पाप करने वालों में से सभीओं में से सर्वे अतिशयेन आत्यंतिक पाप करने वाला जिसके पाप की पराकाष्ठ, ऐसा जो पापकृत है पाप करने वाले का नाम पापकृतम हो जाता है। सर्वम सा ऐसा व्यक्ति भी अपने आप को तुम ऐसा मानते हो तो भी ऐसी है ना, अपिचे असि पापकृतम, तुम अपने आप को पापकृतम मानोगे तो भी उन सारे पापों को तुम क्या करोगे, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव ज्ञानमेव प्लवम कृत्वा ज्ञानमेव प्लवम कृत्वा, ज्ञान को ही नौका जैसे नौका बना करके, ये विज्ञान नौका प्रकरण ग्रंथि लिख दिया भाष्यकार ने, इसलिए विज्ञान नौका पुस्तक विज्ञान नौका इसे कहते हैं। देखो ज्ञानमेव प्लवम मने नौका, ज्ञान को ही नौका जैसे नौका बना करके वृजनम मने वृजनारणवम, वृजनम गर्द करते आगे पापम पाप समुद्रम एव प्लवोक्ति सामर्थ्यात् अर्थतः अरणवत्व सिद्धम भवति पापम संतरिष्यसि, संतरिष ज्ञान को ही प्लव बना करके तुम जब यहाँ एव ज्ञानम एव प्लव ना, वो एव जो है वो श्लोक का एव नहीं समझना, ज्ञान प्लवे नहीं वो को ऐसा कर दे भाषा ने ज्ञानम एव प्लवम, नहीं नहीं वो एव समास क्या आया कर्मधारय समास दिखाने के लिए, वो श्लोक का एव नहीं, श्लोक का एव हमें संतरिष के साथ लेना है, जो भाषाकार ने यहाँ उसका अनुभव बताया ही नहीं है।